अगर 370 हटाना था तो हटा देते, लेकिन इसको स्टेटहुड आपने क्यों ख़त्म कर दी? क्या ये जरूरी था कि 370 हटाने के लिए इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए? ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है नहीं, ये अन्याय। 29 राज्य हैं, अब 28 रह गए, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, आज वो थोड़ी देर बाद 9 हो जाएं। संविधान के अंदर पहली अनुसूची में ये दिया हुआ है सब कुछ, लेकिन जब से आपने वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस की संख्या को बढ़ाया और जिस तरह से मीडिया ने एक हाइप पैदा किया देश में, आपको इस बात की भी चिंता करनी चाहिए। कई बार अनावश्यक रूप से इस मीडिया के द्वारा लोगों के मन में आशंका, भय और निराधार तमाम चीज़ें पैदा हो जाती हैं। सारे देश में ये था कि कुछ अनहोनी हो सकती है। 2-3 दिन पहले ही जब यहाँ चर्चा चल रही थी किसी मसले पर, तो इधर से बहुत जोर शोर से कहा जा रहा था कि कश्मीर में स्थिति को इतना सुधारा, अमरनाथ यात्रा शांतिमय तरीके से, पहली बार हिंदुस्तान में शांतिमय तरीके से संपन्न होने जा रही, अकस्मात आपने अमरनाथ यात्रियों के श्रद्धालुओं को वापस कर दिया, सारे होटलों की बुकिंग बंद कर दी, कोई टूरिस्ट नहीं जा सकता था, थे उनको सबको निकाल के बाहर कर दिया, जाइए वापस जाइए। इससे लोगों के मन में एक आशंका पैदा हुई कि कोई ऐसी वैसी बात हो सकती है जिससे अशांति हो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अशांति होने से अलगाववादियों को कोई प्रसन्नता नहीं होती, प्रसन्नता होती है अलगाववादियों को, लेकिन जो शांतिमय तरीके से रहने वाले लोग हैं उनके मन में भय होता है, उनको डर लगता है, तो वो और ज़्यादा खतरनाक स्थिति बन जाती है। अलगाववादी तो चाहते ही है कि वहाँ गोली चले, अलगाववादी चाहते हैं कि लोग मारे जाएं, अलगाववादी चाहते हैं कि पुलिस की गोली के रिएक्शन में लोग भारत के साथ जो उनका जो निर्दोष लोग मारे जाएंगे उनका जो जुड़ाव है उसमें कमी आए, यही तो चाहेंगे, और आप भाई करने जा रहे हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब कहीं पुलिस के बल पर, सेना के बल पर या अन्य तरह के फोर्सेस के बल पर पब्लिक को दबाने की कोशिश की गई तो पब्लिक को दबाया नहीं जा सका, नहीं दबाया जा सकता। जब जनता उठ खड़ी होती है किसी मामले का, आपने कॉन्फिडेंस में ले लिया होता थोड़ा सा भी लोगों को, जनप्रतिनिधियों को भी, तो ये जो मीडिया के जरिए जो भय जैसा पूरे देश में वातावरण पैदा कर दिया था वो नहीं होता। वहाँ की ही, कश्मीर की ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहाँ के जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको भी विश्वास में ले लिया होता तो जो आशंका लोगों के मन में है वो नहीं होती। अब तरह तरह की चर्चाएं चल रही, कहाँ वहाँ ऐसा हो सकता, वहाँ ऐसा हो, सारे टेलीफोन बंद कर दिए गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। तो ये जब प्रचार बाहर जाता है मीडिया के माध्यम से, देश के अंदर नहीं, देश के बाहर भी तो जाता, आप उसे नहीं रोक सकते। अगर हिंदुस्तान से बाहर के मुल्कों की ओपिनियन हमारे खिलाफ हो जाए तो क्या वो हमारी विदेश नीति को प्रभावित करने वाली चीज नहीं होगी? क्योंकि हम इस आज के युग में अपने को आइसोलेट करके नहीं चल सकते, हमें अपने मित्र देशों की संख्या को बरकरार रखना होगा या बढ़ाना होगा।
और हमारे खिलाफ जो लोग हैं उनको देश हैं उनको हमें कोशिश करनी होगी कि वो भी हमारे पक्ष में आए। लेकिन अगर लोगों को ये लगेगा कि हिंदुस्तान में एक राज्य को एक एक पुलिस स्टेट जैसी स्थिति बनती जा रही है, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके संबंध आपसे बहुत अच्छे हैं लेकिन वो इसी इशू को लेके ओपिनियन बदल सकते हैं। इसलिए जो आप अपने लाभ के लिए जो मीडिया का प्रयोग करते हैं वो तो करेंगे ही, कोई बात नहीं, लेकिन देश के हित को भी तो देखिए कि ये जो दिखा रहे हैं, ये जो दिखा रहे हैं उससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्टीमेटली हमारा ही नुकसान हो, हमारे देश का नुकसान हो, ये देखना पड़ेगा आपको। और दूसरी ये कि मैं इस तर्क को, मैं बहुत सोचा मैंने कि ये जो यूनियन टेरिटरीज आपने बना ली हैं और लद्दाख की और जम्मू कश्मीर की दो यूनियन टेरिटरी, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की व्यवस्था की, अभी तो एक ही लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों को देखेगा, हो सकता बाद में अलग अलग आप अपॉइंट करें, सत्यपाल मलिक को वापस बुला लेंगे और जो गवर्नर हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएं। तो इसके पीछे का जो सोच है आपका वो हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जहाँ जहाँ हैं और ख़ास तौर से पुडुचेरी में भी और दिल्ली में भी, ये अभी सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन रो रहे थे रोजाना कि साहब मैं तो गया था देखने, मैं देखने गया था जब इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर एक अस्पताल में भर्ती थे क्योंकि बीमार हो गए थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ मुख्यमंत्री धरना दिए हुए थे, मुख्यमंत्री से मिलने तक मना कर दिया था लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, कितने दिन बैठे रहे। मैं गया था संजय सिंह कि नहीं गया, आप तो थे ही, वो स्थिति नहीं होती। और पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर चूंकि हमारे साथ हम लोग रहे बहुत दिनों से, पुराने हमारे मित्र हैं, वे पूरी कैबिनेट के साथ एक बार मेरे घर आए, मेरे घर आए कि वो ऐसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजा दी, हमें रोज परेशान कर रहे, तो मुख्यमंत्री कोई हैसियत ही नहीं। तो पुडुचेरी वाला ही आपने इसमें प्रोविजन किया है, आपने प्रोविजन किया है पुडुचेरी का ही, मैंने पढ़ा है थोड़ा सा क्योंकि जल्दी पढ़ा, अभी इतनी जल्दी आप लाए। अच्छा मैं ये जानना चाहूँगा माननीय गृहमंत्री जी आपके माध्यम से, मैं नहीं बनना आप कहोगे मेरी तरफ देखो, आपके माध्यम से कि इतनी जल्दी क्या पड़ी थी ये बिल। नहीं मैं साल की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तारीख है 5, इसको आज आप सर्कुलेट करके लोगों को पढ़ने को भी मौका मिल जाता है, ऐसे आज पास करा सकते हो तो कल भी पास करा सकते हो, परसों भी पास करा सकते हो, एक दिन में कौन सा 30 वो तीर मार लोगे जाके कश्मीर में हैं, क्या हो जाता। अब हम लोगों को पूरा अंदाज भी नहीं इसमें क्या क्या है, मैं तो थोड़ा सा देख लिया इसमें क्या है, तो मेरे नागपंचमी है, नागपंचमी के दिन पूजा करते हैं, सांप को जहर पिलाते हैं और 5 साल काटता रहता है, दूध पिलाते हो, डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि 5 साल तक तो खिलाफत करोगे और 5 साल बाद फिर उसको दूध पिला दोगे, फिर 5 साल के लिए वो काटने के लिए हो जाएगा तैयार। तो ये बहुत जल्दबाजी में कदम उठाया है आपने, बहुत जल्दबाजी में, और हमें लगता है इस पर ज़्यादा सोचा भी नहीं है आप लोग। अगर मान लीजिए अगर कहीं कश्मीर में अशांति हुई, अभी तो कंट्रोल में स्थिति थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में हो गई, पहले से बहुत बेहतर स्थिति हो गई, इसमें दो राय नहीं, लेकिन अब हमें संदेह है, आशंका है इस बात की कि वहाँ अशांति हो सकती है, क्योंकि बॉर्डर के अक्रॉस द बॉर्डर से अब कोशिश होगी वहाँ अशांति फैलाने की, और ये जब कोशिश होगी और अशांति पैदा होती है
तो पहले से बदतर स्थिति हो सकती है। हम कर तो रहे हैं अच्छे के लिए, कर तो रहे हैं अच्छे के लिए, लेकिन ये पहले से ज़्यादा खराब स्थिति हो सकती है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको इस बात की चिंता नहीं है कश्मीर में आदमी मरे या जिए, आपको इस बात की चिंता है शेष देश में लोगों को कहने को देखिए 370 धारा हटा दी। लेकिन यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वो इस देश के रहने वाले लोगों से, चाहे वो किसी धर्म और जाति के हों, सबसे स्नेह करते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, अनलाइक यू। ये सेंटेंस आपने नहीं सुना, हम लोग जो इधर बैठे हैं वो कोई भेदभाव नहीं करते धर्म और जाति उसके नाम पे, रीजन के नाम पे, अनलाइक यू, यू डू इट। और इसलिए सारे देश में मैसेज देने के लिए, एक धर्म विशेष के लोगों को मैसेज देने के लिए, देखिए मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, चुनाव में आपको लाभ हो चाहे देश का कितना ही नुकसान हो, दिस इज योर प्रिंसिपल, और इसी आधार पर आगे भी आप काम करेंगे, मैं जानता हूँ काम करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो आप ये बिल लाए हैं इसका विरोध करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर रामगोपाल यादव जी।